इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी एयरटेल नंबर पर रिचार्ज करके 4% का कमीशन कैसे कमाएंगे। यहां पर आपको एयरटेल का रिटेलर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही यहां पर रिचार्ज करके 4% का कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन आपके पास एयरटेल का मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप ये रिचार्ज करके 4% का कमीशन कमा सकते हैं। किसी भी एयरटेल नंबर पर आप रिचार्ज करेंगे तो आपको यहाँ पर 4% का कमीशन मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी का 100 रुपया रिचार्ज करते हैं तो आपका वॉलेट से जो कटेगा वो 96 रुपया कटेगा और 4 रुपया आपका वॉलेट में ही रह जाएगा। मतलब 4 रुपया माइनस होकर आपके अकाउंट में ही रह जाएगा और 96 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा और उसका रिचार्ज 100 रुपया का हो जाएगा। तो आप जितना भी रिचार्ज करेंगे उसका 4% का कमीशन आपको मिलेगा। तो हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे आप 4% का कमीशन कमा सकते हैं किसी भी एयरटेल नंबर पर रिचार्ज करके। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है एयरटेल थैंक्स। एयरटेल थैंक्स लिख के जैसे आप सर्च करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके ओपन करना है। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल करके रखे हैं तो इसीलिए हम सिंपल यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ अलाउ मांगेगा, आपको सभी को यहाँ पर अलाउ कर देना है इस तरह से। यहाँ पर आपको अपना एयरटेल नंबर डालना है। एयरटेल नंबर डालने के बाद यहाँ आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आपका ऑटोमेटिक ही ले लेगा। अगर इस मोबाइल पर ही वो सिम भरा हुआ रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक ही ले लेगा। अगर ऑटोमेटिक नहीं लेता है तो यहाँ पर ओटीपी डाल के यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ फिनिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ अलाउ करना है, आपका जो भी अलाउ मांगेगा आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ डन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। उसके बाद आपको अगर 4% का कमीशन कमाना है तो उसके लिए आपको इसको इधर करना है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अर्न 4%, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा, सुपर हीरो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप बैक आएंगे। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पर सक्सेसफुली आपका जो प्लान है 4% का वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और 4% का कमीशन कमा सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि 4% का कमीशन कैसे कमा सकते हैं रिचार्ज करके। बैक आने के बाद आपको सिंपली यहाँ रिचार्ज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, जिस नंबर पर आप रिचार्ज करेंगे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद सभी प्लान आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। जिस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालेंगे उसका प्लान जो भी चल रहा है उसके मोबाइल पर सभी यहाँ पर आपका शो होने लगेगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 8 रुपया डिस्काउंट कूपन विद दिस पैक। अगर यहाँ पर अगर 399 रुपया रिचार्ज करते हैं तो आपको यहाँ 16 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 598 रुपया का रिचार्ज करते हैं अगर किसी का, तो यहाँ पर 24 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी का 199 रुपया रिचार्ज करते हैं तो आपका वॉलेट से जो कटेगा वो 191 रुपया कटेगा और आपका यहाँ पर 199 का रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन आपका अकाउंट से 191 रुपया कटेगा यहाँ पर आपका दिया हुआ है। तो रिचार्ज करने के लिए सिंपली आप किसी भी प्लान को रिचार्ज करेंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका इस नंबर पर रिचार्ज होगा 199 रुपया, लेकिन आपका अकाउंट से कटेगा, आपको जो पे करना होगा वो अमाउंट है 191 रुपया। आप अपना डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप दिया हुआ देखिए देख सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI। अगर आपका एयरटेल वॉलेट है, अगर उसमें मनी है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट है तो उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप किसी भी ऑनलाइन के मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए सबसे पहले उस मेथड को आप सेलेक्ट करेंगे जिससे आप पेमेंट करना चाहेंगे। अगर इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ अपना इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे कि किस बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट ऐप पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी UPI आपके मोबाइल पर है वो सभी आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर अपना UPI सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिडायरेक्ट कर देगा आपके UPI एप्लीकेशन पर, वहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। और हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताया। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो इसी तरह के सबसे पहले देखने के लिए।